हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. आई एम रुचिका एंड आज का जो मेरा टॉपिक है वो लाइक वेडिंग से रिलेटेड है. तो गाइस, जो जैसे हम लोग ना, जैसे गर्ल्स होती हैं, तो गर्ल्स की जब शादी होती है ना, तो उनके दिमाग में ना बहुत कुछ चलना शुरू हो जाता है कि हाँ, मुझे अपना लहंगा यहाँ से लेना है, या मुझे रेंट पे लेना है, या खुद का लेना है. तो सेम चीज़ ही मेरे साथ भी हुई. एंड मुझे ना, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती थी कि यार, मुझे अपना लहंगा जो है ना, वो चांदनी चौक से लेना है, वहाँ पर बहुत अच्छी वेराइटी है, और दिल्ली से ही लेना है. तो मेरे दिमाग में ना यही चीज़ हमेशा घूमती थी. तो मैंने जो है वो अपनी YouTube पे ना वीडियोस देखना शुरू कर दिया, और वीडियोस देख देख के ना मैं इतनी एक्साइटेड हो जाती थी कि हाँ यार, वहाँ तो मुझे मिल ही जाएगा. और यू नो, यूट्यूबर्स जो हैं वो वीडियोस बनाते हैं जो इन चीज़ों पे, वो आपको बहुत तरह की वीडियोस दिखाते हैं. और ठीक है, वो कुछ हद तक सही होती भी हैं, बट हर चीज़ सही नहीं होती है. तो आप जब भी फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप ये चीज़ करना चाहो, अपना कोई लहंगा लेना चाहते हो और चांदनी चौक से लेना चाहते हो खास करके, तो पहले पूरी रिसर्च कर लो उस चीज़ के बारे में. एंड गाइस, जो भी है वो बहुत ट्रस्टेड इंसान से लेना, जिसके बारे में आपको बहुत पता हो या आपको किसी ने सजेस्ट किया हो, आप प्लीज़ कोशिश करना कि आप उसी के पास जाओ, क्योंकि वहाँ पे बहुत तरह के फ्रॉड भी होते हैं. तो मैं ना ऐसे ही अपना देखती थी, YouTube पे वीडियोस देखती थी काफ़ी सारी. तो आपने बहुत ऐसे यूट्यूबर्स देखे होंगे जो वहाँ पे जाके प्रमोशंस करते हैं. तो मैं बहुत ज़्यादा ना एक्साइटेड होगी देख देख के कि हाँ यार, यहाँ तो मुझे मिल जाएगा, जो मेरा बजट है मुझे आराम से उसमें जो चीज़ चाहिए वो मिल जाएगी. तो मैं लाइक, जो मेरी शादी थी वो भी दिल्ली में ही होनी थी, तो मतलब दिल्ली में ही हुई है मेरी शादी. तो उन लोगों ने, जो मेरे इन लॉज हैं, उन्होंने भी मुझे शॉपिंग करवानी थी. तो जो शॉपिंग जब होनी थी ना मेरी, उस टाइम पे मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं वहाँ जा तो रही हूँ, मैं एक बारी ना मैं चांदनी चौक में चले जाऊँगी, मैं वहाँ से जाके अपना लहंगा भी बुक करा लूँगी, या जैसे भी हम लहंगा भी देख लूँगी. तो ऐसे ही हुआ, मैं, मेरी सिस्टर और मेरा ब्रदर जो है, वो तीनों यहाँ आए. और उसके बाद जो है, मेरी एक कज़न जो है, मेरी मासी की बेटी हैं, वो यहीं रहती हैं. तो हम लोगों ने प्लान बनाया इस तरह से कि हम तीनों जने जो हैं वो जाएंगे वहाँ, और उनको जो शॉप्स पता है या वहाँ पे जैसे भी एक्सप्लोर तो करते ही हैं सब, तो हम एक्सप्लोर करते करते जो है वो देख लेंगे. तो फर्स्ट डे था जब हम लोगों ने ये सब कुछ स्टार्ट किया. और वहाँ पे जाओगे ना जब आप, तो फर्स्ट ही शॉप ऐसी है जो जिसके बारे में काफ़ी यूट्यूब पे होता है. तो जब हम लोग ना फर्स्ट टाइम वहाँ पे गए ना, तो जैसा मैंने वीडियोस में देखा था वैसा तो कुछ था नहीं वहाँ पे. वहाँ पे ना ऐसे पूरा मतलब लहंगे ही लहंगे नीचे गिराए हुए हैं सब जगह पे, और ज़्यादा लोगों के खड़े होने की स्पेस भी नहीं है, इतना ज़्यादा रश था वहाँ पे उस टाइम पे. तो हम लोगों को ना कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं हुई वहाँ पे, तो हम लोग बाहर निकल गए. फिर हम लोग दो तीन ऐसी शॉप्स पे गए जिनकी जो YouTube पे बहुत ज़्यादा चलता था कि हाँ, ये जो है अच्छी शॉप्स हैं, यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ अच्छा मिल जाएगा. और उसके बाद हम लोगों को कुछ भी ऐसा नहीं मिला. तो वहाँ पे जो है ना, एजेंट्स बहुत ज़्यादा घूमते हैं, वो आपको बोलेंगे हाँ, हम आपको यहाँ ले चलते हैं, वहाँ ले चलते हैं. पर मैं ना, मैंने कुछ ऐसी कुछ वीडियोस देखी थी जिसपे ये चीज़ बताई थी कि एजेंट्स जो हैं वो ऑब्वियसली उनको पैसे मिलते हैं, तो वो तो वहीं लेके जाएंगे जहाँ पे उनको पैसे मिल रहे हैं. तो एक जो यूट्यूबर हैं, सौम्या खत्री, उनकी ना मैंने एक वीडियो देखी थी, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ था उसमें कि उनके साथ क्या हुआ था वहाँ पे. तो सेम चीज़ ना मुझे भी थोड़ा सा हुआ कि यार हाँ, उनके साथ ये चीज़ हुई है, तो मुझे एक बार ही पूछना चाहिए उनसे. तो मैंने उनको इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, तो उन्होंने मुझे पूरा रिप्लाई किया, और उन्होंने सब कुछ बताया मुझे कि हाँ, मेरे साथ ये सब कुछ हुआ था. तो मैं थोड़ा सा अलर्ट होगी उस चीज़ को लेके कि हाँ, जो ये एजेंट्स हैं वो कुछ ऐसा कर सकते हैं. तो हम लोग गए, तो सेम चीज़ ही होना शुरू हो गई. एजेंट्स कभी यहाँ से आ रहे हैं, कभी वहाँ से आ रहे हैं, और आपको एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि हम वहाँ ले चलेंगे, वहाँ ले चलेंगे, वहाँ आपको अच्छा मिल जाएगा, अच्छा मिल जाएगा. तो हम लोगों ने इतनी सारी शॉप्स देख ली हुई थी ना, एक टाइम पे आके हम लोग ना थक गए. एंड मुझे जो चाहिए था लहंगा, वो कुछ चाहिए था थोड़ा लाइट शेड में, कुछ गोल्डन मिल जाता, या कुछ जो है वो पिंक शेड में मुझे मिल जाता. पर वहाँ पे ऐसी वैरायटी नहीं मिली हम लोगों को, कहीं पे भी किसी भी शॉप पे ऐसी कुछ वैरायटी थी ही नहीं वहाँ पे. तो अगर हम लोग बोलते भी थे ना, तो वो बोलते थे कि वो ब्राइडल नहीं आता है, वो ऐसे आप दूसरे चीज़ों के लिए ले सकते हो, प्री ब्राइडल ले सकते हो, या किसी और फंक्शन के लिए ले सकते हो, बट ब्राइडल इन चीज़ों में नहीं है हमारे पास, तो वो उस तरह के हैवी नहीं होंगे. तो मुझे वैसे जो चाहिए था वो बहुत लाइट सा ही चाहिए था, मुझे ज़्यादा हैवी चाहिए ही नहीं था.
फिर उसके बाद हम लोग काफ़ी घूमे तो एक जगह पे आके ना हम लोगों को एक जब हम थक गए ना बिल्कुल घूम घूम के, तो एक हमें ना एजेंट मिला, उसने ना हमें बोला कि आपको मैं ना एक शॉप पे लेके चलता हूँ, वहाँ आपको सब कुछ मिल जाएगा जो आपको चाहिए वैसा आपको मिल जाएगा। तो हम लोग भी थक गए हुए थे, हमने सोचा चलो ठीक है हम देख लेते हैं देखने में क्या जाता है हमारा। तो हम लोग वहाँ गए तो उस शॉप पे ना काफ़ी भीड़ थी और वहाँ बैठने की स्पेस तो थी, हम लोगों को एक साइड पे उसने बिठा दिया, बट वहाँ का स्टाफ फ्री ही नहीं था तो किसी ने अटेंड ही नहीं किया हम लोगों को। फिर हम लोगों को उसने क्या किया, उसने हमें बोला कि आपको मैं किसी और शॉप पे लेके चलता हूँ, आप वहाँ चलो वहाँ आपको आराम से मिल जाएगा। हमने बोला ठीक है, हम लोग गए तीनों जने और उसने हमें लहंगे दिखाना शुरू किया उस शॉप पे। तो जब उसने लहंगे दिखाना शुरू किया ना, हम लोग ना ऐसे थे कि हम लोगों को कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था, इतना दिमाग ख़राब हो चुका था सारा दिन घूम घूम के कि हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर एक टाइम ना हम लोगों ने अपने कलर चेंज कर लिए कि चलो ठीक है अभी हमें उस कलर में तो मिल नहीं रहा है, हम लोग अपने कलर चेंज करके देख लेते हैं, क्या पता हमें जो है अगर वो कलर नहीं मिल रहा है कुछ दूसरे कलर में कुछ अच्छा मिल जाए। तो हम लोग ना इसी तरह से सोचते सोचते मैंने सोच लिया कि चलो ठीक है मैं ना कुछ वाइन या मैरून टाइप में कुछ देख लूँगी, क्योंकि अब वो कलर तो मिल नहीं रहे हैं तो अब खाली हाथों वापस जा नहीं सकते। फिर हमने सोचा कि चलो ठीक है हम वो कलर देख लेंगे। फिर हम एक शॉप पे जाके बैठे, उसने हमें लहंगे दिखाना शुरू किए, तो हमने उसको बजट बता दिया कि हमें इस बजट में ही चाहिए। उसने क्या किया, हम लोगों को दिखाना शुरू किए। जब हमारा लहंगा फाइनल हो गया, हम लोगों को पसंद था वो लहंगा, तो हमने क्या किया, हमने उनको बोला कि हाँ हमें ये लहंगा पसंद है, हमारा अगर बजट एक्सीड भी हो रहा है तो कोई बात नहीं, चलो ठीक है फाइनली हमें कुछ मिल गया है तो ठीक है। हम लोगों ने उसको बोला कि अंकल आप जो है वो ये लहंगा हमारा पैक करवा दो। उसको अचानक से पता नहीं क्या हुआ, ही सेड कि आज तो मैं आपको नहीं दे सकता हूँ ये लहंगा, अगर आपको ना ये लहंगा जो है मैं एक महीने बाद दूंगा। हमने बोला हम पैसे आपको अभी दे रहे हैं, लहंगा बना हुआ है सब कुछ हुआ हुआ है तो आप लहंगा क्यों नहीं दे रहे हो। फिर हम लोगों को दिमाग में फिर घूमा, बोले अगर आपको ना ये लहंगा अभी चाहिए ना तो आपको इसका जो प्राइस है ना, उसने हमें अप्रॉक्स 10-12,000 बढ़ा के बोला कि आपको इसका इतना प्राइस देना पड़ेगा तो आपको जो है वो हम आज ही दे देंगे। हमने बोला भैया आपने सेम चीज़ बोली है अभी कि ये इतने का लहंगा है तो आप इसको जो है वो प्राइस बढ़ा के क्यों बता रहे हो अब। तो ही सेड कि नहीं आप ऐसे करो जो लहंगा है ना उसकी कलियों पे साइन कर जाओ, आपको यही लहंगा हम एक महीने बाद दे देंगे बट हम आपको आज नहीं दे सकते। फिर हमें वो हुआ कि भाई इतनी मुश्किल से तो फाइनल हुआ है और हम अब क्या करेंगे कि भाई फाइनल तो हो गया अब क्या करें, वेट करें क्या ना करें, क्योंकि हम लोगों को जब मैंने वो चीज़ सुनी हुई थी और मतलब मुझे पता था कि यहाँ पे ये चीज़ें होती हैं, फिर उसके बाद ना मेरे दिमाग में यही घूमना शुरू हुआ कि अब अगर ये चीज़ कर रहे हैं तो कोई पता नहीं है आगे कि भाई वो चीज़ अच्छी मिले ना मिले। तो हम लोगों ने एक दूसरे की मुँह की तरफ देखा, हम लोगों ने कोशिश की उनसे कि भाई अंकल आप ऐसे करो आप हमसे पैसे ले लो अभी, पर हमें ये लहंगा आज ही चाहिए। तो ही सेड कि आज अगर आपको लेना है तो आप ना मुझे इतने पैसे दे दो मैं आपको दे दूंगा आज ही, बट आई डोंट नो कि वो लहंगा जो है वो उनका वो उस टाइम पे दे ही नहीं सकते थे आई थिंक, या वो जब देते हैं वो दिखाने के लिए कुछ और रखते हैं, वो देने के लिए कुछ और देते हैं कुछ, आई थिंक तो ऐसा ही था, क्योंकि अगर वो उन्होंने बेचना होता वो लहंगा तो वो उसी टाइम पे आपको दे देते ना, वो ऐसे क्यों बोलते आपको कि आपको एक मंथ बाद देंगे हम, या कुछ भी रीजन हो। ही सेड कि नहीं मैं नहीं दे सकता हूँ आज, आप मेरे से एक महीने बाद ले लेना, आप पैसे हमें जो है वो इतने दे जाओ और आप ले लेना। फिर हमारा तो मूड ऑफ हो गया कि नहीं हम ऐसे तो पैसे नहीं दे सकते, क्योंकि अब मेरे भी दिमाग में वो चीज़ें थी क्योंकि उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई थी कि वहाँ पे ये चीज़ें होती हैं, ऑलरेडी उनका एक्सपीरियंस सेम था तो उन्होंने ये चीज़ बताई हुई थी कि ध्यान से आप जब भी शॉपिंग करना तो ध्यान से करना। फिर हम लोगों ने ना वहाँ से उठ के निकल गए कि नहीं मतलब पॉसिबल नहीं है ये सब कुछ, ये जो भी बोल रहे हैं क्या पता ये फ्रॉड हो, तो हम लोग वहाँ से निकल गए। उसके बाद फिर हम लोग ना अब फिर टेंशन में कि यार ये क्या हो गया है अब तो मिलेगा नहीं लहंगा, फिर मैं भी परेशान कि बहुत इतना सारा दिन घूमने के बाद भी हमें लहंगा नहीं मिला।
फिर मैंने अपने इन लॉज को बताया कि ऐसे ऐसे हमारे साथ ये चीज़ हुई है, तो दे सेड कि तू हमें बताती तो सही उस टाइम पे, हम लोग कुछ ना कुछ तो करते हैं, अगर तुझे पसंद आ ही गया था तो कुछ ना कुछ तो करते हैं हम लोग। तो हम मैंने बोला कि नहीं, मेरा तो मूड ऑफ हो गया था वो सब कुछ देख के, तो हम लोगों का मन ही नहीं था वहाँ से लेने का कुछ भी। तो फिर जो इन लोगों ने जहाँ से शॉपिंग करवानी थी मुझे, वहीं पे हम लोग जो हैं सारी की सारी हम लोगों ने शॉपिंग की, और मेरा लहंगा भी जो था हमने वहीं से लिया। तो वो एक ट्रस्टेड स्टोर था, वहाँ पे अच्छी चीज़ें, अच्छी कलेक्शन भी थी काफ़ी, और प्राइस रेंज तो जो है वो आप अपने अकॉर्डिंगली सेट कर ही सकते हो। तो वहाँ पे वहीं से मैंने अपना जो मेरा जो रिसेप्शन का गाउन था वो भी वहीं से लिया था, और बाकी जो हमारी वेडिंग की शॉपिंग थी ना वो भी सारी हमने वहीं से की थी। तो उसके बाद ये था कि फिर सेटिस्फेक्शन होगी कि हाँ, मतलब हमें चीज़ अच्छी मिल गई है जो हमें चाहिए था। ठीक है, जो कलर्स मुझे चाहिए थे वो मुझे नहीं मिले, बट चलो जैसी चीज़ चाहिए थी मुझे वैसी मिल गई, तो हमें थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन होगी इस चीज़ को लेके कि चलो ठीक है, अब जो भी था मिल गया। एंड उसके बाद फिर हम लोगों ने जो भी था, उन्होंने भी टाइम लिया, बट ये था कि उतना टाइम नहीं लिया हम लोगों को, जो चीज़ें हमने बनानी थी ना वो उन्होंने हमें पहले ही दे दी थी, लाइक ब्लाउज़ हमें उसी टाइम पे दे दिया था, एंड जो दुपट्टा और जो हमारा लहंगा था ना वो उन्होंने बाद में दिया था, क्योंकि उसमें कुछ फिनिशिंग होनी थी, तो वो कोई नॉन के थ्रू ही गए थे, तो इसलिए हम लोगों को उस चीज़ की इतनी टेंशन नहीं थी, क्योंकि किसी ना किसी वे में वो हम लोगों को चीज़ मिल ही जाती। फिर यही बोलना चाहूँगी कि जब भी आप चांदनी चौक में जाओ तो पहले पूरा रिसर्च करो किसी भी चीज़ को लेके। अगर आप कुछ भी ले रहे हो, खास करके अगर आप वेडिंग की अपनी शॉपिंग कर रहे हो एंड अपना लहंगा ले रहे हो, तो कभी भी इस तरह से जो है वो किसी बिना मतलब सोचे समझे किसी से भी मत ले लो, और ख़ास करके अगर वो बंदा टाइम मांग रहा है ना आपसे तो आप मना कर दो। अगर तो आप उसी टाइम पे लेके जा सकते हो तो आपके लिए अच्छा है, आप उसी टाइम पे लहंगा लो और आप अपना ले जाओ। अगर आप छोड़ के जाओगे ना तो उनका कोई पता नहीं है, जो आपको वो चीज़ दिखा रहे हैं वो कुछ और होगी, और जो आपको देंगे ना एंड में वो कुछ और होगी। सो आप अपना दिमाग बहुत अच्छे से, पूरी अच्छे से यूट्यूब पर सर्च करो, और ऐसी सर्च करना जो रियल हो, प्रमोशंस वाली नहीं, क्योंकि प्रमोशंस में ठीक है उनका काम है वो कर रहे हैं, बट ये कि हर बार वो जो चीज़ है वो सेम अच्छी नहीं होती है या सेम नहीं होती है जैसी वो आपको दिखाते हैं, और प्राइस रेंज का भी सेम चीज़ ही है कि हम लोग जो देख के एक्सपेक्ट करके आते हैं वहाँ से कि हाँ यार इसने मुझे ये प्राइस बोला, उसने मुझे वो प्राइस बोला है, वो एंड में जो है वो कोट नहीं होता। मेरा जो एक्सपीरियंस था वो तो बहुत बुरा था। तो आप जो है वो बहुत ध्यान से शॉपिंग करना अपनी शादी की, क्योंकि वैसे भी वेडिंग सीजन जो है वो अभी आ ही रहा है, और अपना जो भी आप कुछ लेना चाहते हो, जो भी लेना होगा आपको, आप बहुत ध्यान से और रिसर्च करके कहीं से भी लेना, और ट्रस्टेड से लेना, ये सबसे बड़ी बात है कि जो भी लो ट्रस्टेड से लो, ताकि आपको बाद में जो है वो प्रॉब्लम ना आए, एंड कम से कम एक डेढ़ दो महीने पहले आप अपनी शॉपिंग शुरू कर दो, खास करके लहंगा वगैरह की, क्योंकि एट द लास्ट टाइम ना आपको वो चीज़ें मिलेंगी नहीं, और आपको वैरायटी भी कम मिलेगी, और आपको स्टिचिंग में भी प्रॉब्लम आएगी। सो जो है आप अपने टाइम पे सब कुछ करना शुरू कर दो। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड टिल देन बाय।